फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजिया। गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। आपने मार्केट से गुजिया लेकर बहुत खाई होगी, लेकिन अगर आप गुजिया को घर पे ही ट्राई करेंगे तो आपको घर के गुजिया में आपको मार्केट से ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। गुजिया के लिए हमने सबसे पहले अपनी कढ़ाई को खाली गैस पर रख लिया है, आप देख सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। ये मैंने देसी घी का यूज़ किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घी का यूज़ करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अपना 250 ग्राम खोआ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपने खोए को डाल दिया है और अब हम इसे लो फ्लेम पर अपने खोए को अच्छे से पका लेंगे। आपको इसे जब तक पकाना है जब तक यह थोड़ा सा टाइट और थोड़ा ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा खोआ अभी कच्चा है, हमें इसे अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको खोआ पकाते हुए आपको अपनी कढ़ाई थोड़ी मोटी तली की लेनी है। आप इसे पतली तली की बिल्कुल ना यूज़ करें, नहीं तो आपका खोआ नीचे चिपकेगा और यह अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो मैं इसे जब तक हिलाती रहूँगी जब तक हमारा खोआ अच्छे से पक नहीं जाता। आई मीन इसका हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाएगा, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये नीचे की तरफ लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे खोए का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, जब तक यह बिल्कुल टाइट नहीं हो जाता तब तक मैं इसे इसी तरह पकाते रहूंगी। लेकिन आपको हिलाते ही से इसी तरह रहना है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे की तरफ लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका खोआ बिल्कुल टाइट हो चुका है, आप देख सकते हो। बिल्कुल आपको इसी कंडीशन का आपका अपना खोआ बनाकर तैयार कर लेना है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए काफ़ी रेड कलर का हो चुका है, आप देख सकते हो हमारा खोआ बड़े अच्छे तरीके से पक चुका है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी कढ़ाई में डालूंगी गोले का बुरादा। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया हुआ है और अब ये भी हम थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का कर लेंगे। आपको इसे हल्का हल्का रोस्ट करना है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी ताकि हमारे नारियल का जो बुरादा है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा और डाल लिया है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हल्का सा ब्राउन कलर का कर लेंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं गुजिया के अंदर भरूंगी आई मीन स्टफिंग, वही तैयार कर रही हूँ। तो देखिए हल्का हल्का हमारा नारियल का बुरादा भी ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। मैंने लिए हैं किशमिश, काजू और बादाम। ये भी हम इसी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और सभी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें काजू, बादाम और किशमिश का यूज़ किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे नारियल का बुरादे का कलर चेंज हो चुका है, ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हमने गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है, इसका हम लगाएंगे डो। डो लगाने से पहले मैं इसमें डालूंगी घी, इसे मोइन बोलते हैं। इसका इसमें मोइन का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल नरम और ऐसी गुजिया बनाना चाहती है जिसे कि बड़े बूढ़े और सब खा लें, तो आपको इसमें मोइन काफ़ी डालना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें मोइन अच्छे से मिला लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा मोइन और यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आपको इस प्रकार जैसे कि लड्डू बनने लग जाए इस प्रकार का अपना मैदा तैयार कर लेना है। और इसमें अब मोइन अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए 1 स्पून मैं इसमें घी और डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें मोइन काफ़ी मात्रा में डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि मैं इसका अब डो लगाने वाली हूँ। आपको एकदम से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है इसमें, क्योंकि इसमें मोइन डालने के बाद पानी बहुत ही कम यूज़ होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा 3 बार करके पानी डाल लिया है और अब मैं इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने डो को कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। मैं अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस पर कपड़ा लगा कर रख देती हूँ। फ्रेंड्स, अब आता है इस मिक्सर का नंबर। मैंने ये एक तरफ नारियल का बुरादा लिया हुआ है और दूसरी तरफ ये हमारा खोआ है। अब मैं इसे अच्छे से अपने नारियल के बुरादे में मिक्स कर लेती हूँ।
अभी ये थोड़ा गर्म है फ्रेंड्स। अगर आपका खोआ अच्छे से भुन जाएगा और बिल्कुल टाइट हो जाएगा तो वो आपकी गुजिया के अंदर से निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा खोआ बिल्कुल लाल हो चुका था, मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पका लिया था। तो देखिए, मैंने ये नारियल का बुरादा और खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यह है हमारे गुजिया के अंदर की स्टफिंग है जो कि बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी गैस पर एक खाली बर्तन रख लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो ये मैंने एक कटोरी चीनी ली हुई है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक गिलास में पानी, को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी को तैयार करने से पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ी सी केसर, इससे हमारी चाशनी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ी सी ये पिस्ता भी डाल देती हूँ और अपनी चाशनी को मैं हिला दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक तरफ हमारी चाशनी बन रही है और दूसरी तरफ हम अपनी गुजिया बनाने के लिए घी रख देते हैं। हमारी चाशनी अच्छे से बॉईल हो जाएगी तब तक। आप अपनी गुजिया किस चीज़ में बनाएंगी या आप पर डिपेंड है, या तो आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। गुजिया के लिए घी का यूज़ करेंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने होममेड घी लिया हुआ है, मैं इसमें घी का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये घी डाल दिया है, गुजिया का आटा ले लेती हूँ, तब तक हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे रेस्ट के लिए रख दिया था। अब हम इसकी छोटे छोटे लोई बनाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। और फिर एक बेलन लेती हूँ और इसे जिस तरह रोटी बनाते हैं इसी तरह बेल लें। आपको इस प्रकार इसे बेल लेना है। और उसके बाद मैं लेती हूँ गुजिया का साँचा और अपनी गुजिया को इसके अंदर रखी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी गुजिया को इसके अंदर रख लिया है, आप देख सकते हो। अब हम जो हमने वो मिक्सचर बनाया था उसे अपनी गुजिया के अंदर थोड़ा थोड़ा रख लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे गुजिया के अंदर रख लिया है और जो गुजिया का साँचा है उसे हम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा बचा है उसे मैं निकाल लूँगी। तो देखिए, और इसे हम अच्छी सी प्रेस से दबा कर अपनी गुजिया को ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यह चारों तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से बंद हो चुकी है। आपको इसी तरह सभी गुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं एक ट्रे ले लेती हूँ और अब अपनी गुजिया बनानी शुरू कर देती हूँ। और दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको गुजिया ना तो ज़्यादा मोटी बनानी है और ना ही ज़्यादा पतली बनानी है, बिल्कुल इसे मीडियम बेलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल लिया है और अब हम अपने साँचे के अंदर इसे रख के दोबारा फिर से वैसे ही बनाएंगे जिस प्रकार हमने पहले बताया था आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर रखूंगी अब गुजिया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अब अपने एक चम्मच की सहायता से इसके अंदर अपना पेस्ट रख लूँगी। तो देखिए, मैंने इसके अंदर पेस्ट रख लिया है और अब मैं इसके चारों तरफ थोड़ा पानी लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और ये ओपन ना हो। तो देखिए, और अब मैं अपनी गुजिया की और जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा है उसे इसी प्रकार निकाल लूँगी और फिर से एक बार इसे दबा दूँगी। तो देखिए, आप देख सकते हो अब मैं इसे ओपन करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 से 6 गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। मैंने जिस प्रकार आपको बताई थी इसी प्रकार इसे बना लिया है। अब हम इसे अपने घी में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा घी गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे अपनी गुजिया को अपने घी के अंदर छोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने एक एक करके अपनी सभी गुजिया अपने घी में छोड़ दी हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे। आपको इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, तभी आपकी गुजिया क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका हल्का हल्का ब्राउन कलर हो चुका है, आप देख सकते हो। हमारी गुजिया का कलर ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम अपनी गुजिया को निकाल लेते हैं। अब मैं इसे शुगर सिरप में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी गुजिया कलर कितना अच्छा आया हुआ है। मैंने अपनी गुजिया को शुगर सिरप में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं अपनी और गुजिया इसके अंदर डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 से 4 गुजिया और तैयार कर ली थी।
तो धीरे धीरे हम इसे इन्हें भी इसी तरह बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी गुजिया को शुगर स्टिक में डाल दिया था, आप देख सकते हो। अब हम अपनी गुजिया को धीरे धीरे शुगर स्टिक में थोड़ा थोड़ा भिगो कर अपने ट्रे में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी शुगर स्टिक से गुजिया निकाल ली है। ये काफ़ी जूसी और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने गुजिया को कितना जूसी और कितना अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अंदर से जितनी दिखने में अच्छी बनी हुई है, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल हर एक उसमें हमारी चाशनी बिल्कुल भरी हुई है, और यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, वाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत ही जूसी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।